लें जी, मैं बस में बैठ गई हूँ और बस अभी रवाना होने लगी है थोड़ी देर में, तो चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? रानू आई है मेरे पास। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कराता रखे, आमीन। ऊपर चढ़ियों सीढ़ियों से तो सांस फूल गए। और यहाँ पे जो है ना, मेरी एक दोस्त रहती है अनीसा की मम्मा, तो वो उन्होंने अभी कपड़े धोए हैं और ये सारे कपड़े धो के ऊपर छत पे बिछा दिए हैं और इधर सूख भी गए हैं। आज सूरज भी निकला हुआ है, वरना ये लोग बोल रहे थे तो सूरज नहीं निकल रहा था। तो मेरे साथ है अनीसा। आप कैसी हो? ठीक हो? तो ये देखे कितनी प्यारी बच्ची है। कैसी हो अनीसा? ठीक हो? एक मिनट, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। कैसी हो अनीसा? ठीक हो? स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? टू क्लास में हो? वाह, आप तो बहुत प्यारी हो। और आपका भाई भी जाता है स्कूल? हाँ, आप बहुत प्यारी बच्ची हो, है ना? है ना? चलें भाई, ये बच्ची जो है बहुत प्यारी है और इसकी मम्मा भी बहुत अच्छी है। तो जब जब मैं आती हूँ, इनके पास आती हूँ, ये बहुत ही अच्छी है और ये स्कूल भी जाती है, ये पढ़ाई भी करेगी। इसके बाद क्या बनोगी? टीचर? टीचर बनने का शौक है? देखा ना इसको, ये टीचर बनेगी। बहुत प्यारी लग रही है। नानी के घर जाती हो? हाँ। क्या बोल रही है नानी? क्या कहती है? मेरे पास रहो। हाँ, क्या कहती है तुम्हारी नानी? वहाँ रहने का बोलती है? कुछ भी नहीं बोल रही, चुप करके खड़ी हुई है। अच्छा, कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओगी? अनीसा जो है मुझे एक गाना सुनाने लगी है जो इसको पसंद है, सुनाए जोर से, जोर से। हाँ हाँ, चले जोर से। बिलियां बिलियां अखां में तक खानू तक खां गुल शराबी शराबी। जोर से बोलो। हाँ, जोर से। पोयम सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वांट टू वेट यू, लाइन का लाइन द इन द स्टार। वाह भाई, देखे ना कैसे अच्छी है मेरी बेटी, बहुत अच्छी है ना। चले, जो भी इसको आता था उसने सुना दिया और बहुत अच्छी है अनीसा, है ना अनीसू? सुबह कितने बजे स्कूल जाती हो? हाँ। चलें, ये आस्ता आस्ता बोलती है, मुझे समझ नहीं आती। तो ये इन्होंने घर लिया हुआ है, यहाँ पे रहते हैं और इनकी मम्मा ने सारे कपड़े धो के, देखिए सूरज निकला हुआ है। यहाँ डरती हो? मैं मामू ने इधर से पकड़ लेना था मुझे। हाँ, मामू ने क्या बोला? इधर से मैं टिकटॉक नहीं बनाने दे रहे ना, एक वाली देख ली थी मैं। टिकटॉक बनाती हो? अरे ये टिकटॉक भी बहुत अच्छा बनाती है ना। डिलीट कर देती हूँ। फिर बना के डिलीट कर देती हो? चलो कोई नहीं, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग में। सब अल्लाह। अनीसा के बाल देखें, इतने प्यारे हैं। अनीसा बाल दिखाओ। अनीसा के बाल तो बहुत प्यारे हैं, ये देखिए, ये देखिए। ये पता नहीं क्या कर रही है, टिकटॉक बनाती रहती है। और ये देखें कपड़े सारे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कराता रखे, आमीन। चलें, ये देखें फ्रूट इतने फ्रेश फ्रेश हैं। और अभी मैं आई हूँ, थोड़ा सा बाहर काम था, तो अभी ये तीनों देखें इतने फ्रेश हैं, ताज़ा ताज़ा। गाँव में ना बहुत अच्छी चीज़ें, सब्ज़ियाँ वगैरह, ये सब, ये गाजर देखें और हर चीज़ इधर, जितने भी फ्रूट और सब्ज़ियाँ हैं ना, ये सारी फ्रेश मिलेंगी, तो बहुत ही अच्छे। और पानी भी इधर का बहुत ही अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे मास्क बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं आई थी मास्क लेने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। दिखाएं आप जो आपके हाथ में आए। हाँ, ये वाला अच्छा। ये वाला बस दो चाहिए, बस दो चाहिए, दो दे दे।
ले लिया है और मैंने लगाया भी है, तो बहुत ही अच्छा है। सर्दी नहीं लगती, मट्टी भी नहीं उड़ती। जैसे मट्टी उड़ रही हो तो वो फिर मुझे एनर्जी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने मास्क भी लगाया है। बहुत सही लग रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ और जो कुछ सामान लेना है वो सामान लेते हैं। पहले पे उसको भून रहे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी ठंड कुछ का ना कम हो चुकी है। जैसे पहले मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो अभी जो है ठंड कम हो गई है और अच्छा मौसम है। पिछले दफ़ों मैं आई थी नैना मैं और देवर बाबा के साथ, तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, बाहर निकला ही नहीं जा रहा था। बहुत अच्छा मौसम है और धूप भी निकलने लगी है, तो इंशाल्लाह कल मैं जाऊंगी सब्जियां वगैरह जैसे फसल में तो जाएंगे बस्ती में, तो वहां पे जो है ना वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे। चलिए अभी मैं जा रही हूँ, कुछ मुझे सामान लेना है, सामान लेती हूँ, फिर जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नरम नरम बहुत ही मज़े के हैं और फूल बहुत खूबसूरत हैं इसके। चले मैं आगे चलती हूँ और बड़ी कर गई तस्वीरों में आई हूँ और आगे भी चलेंगे। देखें इतनी अच्छी सब्जियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और आज बहुत सारी तोड़ के मैं जाऊंगी, इतनी सारी घर रखूंगी और रोज पकाएंगे हम। और यहाँ पे देखिए फूल इतने प्यारे लग रहे हैं मुंगरे के बहुत ज़्यादा, और दिल ऐसे चाह रहे कि सारे जो मुंगरे हैं ना इसमें मैं तोड़ के ना बहुत सारे तोड़ के घर ले जाऊं। तो अभी कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कितने तोड़ सकती हूँ मैं। तो आगे चलते हैं, वहाँ पर प्याज है, प्याज भी मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। ये सारी बंद गोभी है, आगे पता नहीं फूल गोभी है क्या है, मुझे नहीं पता नहीं। अभी मैं बाहर निकलती हूँ और तो चलें ये देखें मुंगरे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसके फूल बहुत अच्छे हैं, और बंद गोभी तो ऐसी फ्रेश फ्रेश ताज़ा। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं मुंगरे, ताज़ा ताज़ा तोड़ के इसका सालन बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे फसल देखें, और हरी प्याज भी लगी हुई है, और ज़मीनें देखें, ये देखिए छोटी छोटी लगी हुई है, और इतना अच्छा लग रहा है शाम का टाइम बहुत ज़्यादा। और ये हरी लहसुन है, मैं इसको समझ रही थी कि वो है प्याज है, प्याज नहीं है, ये हरी लहसुन है। और इसमें है बाथू, बाथू देखें इतना ज़्यादा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो चलें जी आगे चलते हैं, फिर जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। तो ये देखिए जा रही हूँ वापस, तो इतनी खूबसूरत जगह है ये वाली बहुत ज़्यादा। और आगे चलते हैं, फिर और भी चीज़ें होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं गांव पहुँची हूँ, तो मैं बस्ती में चली गई,
तो मैंने कहा वहाँ पे जाके थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बना के फिर घर आऊँगी। तो घर में जो भी खाना पकाना है वो मैं करूँगी। तो अभी जो है मैं वापस जा रही हूँ और सामने रोड है तो मास्क लगाना पड़ेगा मुझे, तो मास्क लगाते हैं भाई। चले है रास्ते में आया है स्कूल, तो स्कूल देखने वाला प्लीज लैंड। तो ये है स्कूल, ये साथ में स्कूल भी है। आगे से गन्ने की फसल भी है, गन्ना भी तोड़ूंगी, वो भी है। अगली दफ़ा भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी मैं जाऊंगी गन्ना तोड़ने। ये देखिए महारानी जी, गंदम की फसल जो है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी है गंदम। और ये मेरे ख्याल में इसमें मिर्ची वगैरह और वो लगाया प्याज, प्याज सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं ना, तो सर्दी से वो जल जाती हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर जो है नहीं लगाया हुआ। और स्कूल आ गया अभी रास्ते में अलहुदा, और ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसमें जामुन भी लगे हुए हैं, अमरूद जामुन, इसमें फ्रूट भी लगाए हुए हैं, आम भी लगा हुआ है और बहुत सारे फ्रूट लगाए हुए हैं दीवार के साथ। और बकरियां देखो इतनी अच्छी लग रही हैं, बकरियां जो है ना ऐसे ही गाँव में छोड़ देते हैं, तो ये जो है ना ऐसे इनका पेट भर जाता है घूम फिर के ना। तो ये देखिए इतनी प्यारी लग रही हैं बकरियाँ। अभी देखिए सरसों, सरसों का साग ख़त्म होने वाला है, तो ये देखिए फूल लगे हुए, अभी इस पे बीज लगेंगे, फिर इसका तेल निकालेंगे, ऑयल जो होता है सरसों का वो होगा। और ये गंदम है, इतना अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये वाला देखिए इतना अच्छा लग रहा है सरसों, बहुत प्यारा बाग। तो इस पे कीनू तो नहीं लगे हुए, ख़त्म हो चुके हैं मेरे ख्याल, नहीं है अभी। और पे देखिए प्याज बड़ी हो चुकी है यहाँ पे, और इसमें घास भी है, ये निकालेंगे और प्याज को साफ़ करेंगे तो तब ये जल्दी बड़ी हो जाती है। और ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं। तोड़ लेती हूँ अभी इसको जो है ना, तोड़ के इसको पता है क्या, इसको तोड़ के बॉयल करते हैं, फिर इसको गोश्त के साथ पकाते हैं, चिकन वगैरह जो भी है, तो बहुत ही अच्छे लगता है। तो ये मैं तोड़ती हूँ बहुत सारे, और ये भी पकाएंगे हम। ये देखिए कितने प्यारे हैं फूल। और ये है साग, साग जो है ना अभी ख़त्म हो चुका है और अभी फूल बन गया है, बन चुके हैं और साग खत्म हो गया है। तो चलते हैं बस, अभी बहुत कुछ कर लिया मैंने। हाँ अभी मैं चलती हूँ, ये वाले फूल बहुत सारे जमा करूँगी, फिर इसके साथ जो है ना इसको बॉयल करूँगी, तो फिर चिकन वगैरह लेते हैं, चिकन या गोश्त जो भी, तो उसके साथ ये पकाएं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये।
एसी वाले हैं ना, तो ये भी पूरा भरा पड़ा है। ये वाला देखो पूरा भरा पड़ा है। ये देखो इतने अच्छा खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी, बहुत प्यारी है। चलो बंद कर, जब भी आती हूँ गांव में हैरान रह जाती हूँ चीजें देख के कि फ्रूट के भरे भरे हुए दरख्त बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलें जी अब चलते हैं। चलो बस चलो वाला किन्नू जो है ना बहुत पसंद है। ये देखे इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये किन्नू से पूरा भरा हुआ है दरख्त, फुल भरा हुआ। और आज मैं आई हूँ ना तो मुझे बहुत पसंद आया है ये बाग। तो नींबू का भी है और किन्नू का भी है, तो बहुत खूबसूरत है बाग इधर। अभी चलती हूँ मैं घर और काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसमें इधर आए हुए और काफ़ी देर मैंने वीडियो बनाई है। अभी चलते हैं। तो ये देखिए और नींबू भी, नींबू देखिए नींबू से भी भरा हुआ है पूरा। ये बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो नीचे देखिए ये सारी घास लगी हुई है। चलिए अभी जो भी पसंद आया तो करते हैं। चलिए जी अभी लिए हैं अमरूद। अमरूद देखिए ताज़े फ्रेश फ्रेश इतने मज़े के हैं अमरूद, और ऊपर से टहनियाँ भी लगी हुई हैं इसके पत्ते देखें। अभी फ्रेश तोड़ के दिए हैं उन्होंने। और ये वाला देखें अच्छा लग रहा है ये वाला, और इसमें नमक भी दिया है उन्होंने। बहुत सारे लिए हैं। अभी इनको कट करते हैं और चेक करते हैं कैसे बने हैं, अच्छे मीठे हैं या खट्टे हैं। चलो जी अभी मंगाया जिंगर बर्गर और कश्मीरी चाय। उसका ढक्कन खोले तो ये देखिए जी कितनी अच्छी लग रही है कश्मीरी चाय।